इंदौर से आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने बीजेपी को परेशान कर दिया, और उसके बाद अब इस खबर पर अपडेट मिल रहा है कि बीजेपी नेता जगमोहन वर्मा को मनाने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। जो प्रवक्ता हैं उमेश शर्मा, वो उन्हें मनाने के लिए पहुंचे, उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं। बता दें आपको, जगमोहन वर्मा की पत्नी से भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेरी माँ की तरह हो आप, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं जगमोहन वर्मा, उन्हें मनाने के लिए रमेश मेंदोला बीजेपी के नेता जो कि इंदौर दो से विधायक है वो खुद पहुंचे थे, और अब उमेश शर्मा बीजेपी नेता बीजेपी प्रवक्ता पहुंचे। इससे पहले रणदीप भी पहुंचे थे जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के। जगमोहन वर्मा जो खबरें मिली आज सुबह की पार्टी से नाराज चल रहे हैं, काफी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, काफी सेवाएं भी की है, और एक दौर था जब सांवेर में तुलसी सिलावट के खिलाफ प्रचार में जगमोहन वर्मा ने काफी पार्टी को मदद दिलाई थी, बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया था। लेकिन अब क्या कारण हो जाता है कि पार्टी से वो नाराज हो जाते हैं, हम रुक करेंगे। पीयूष पारे हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है जगमोहन वर्मा को मनाने के लिए पार्टी क्या कर रही है? देखिए दीपक, जगमोहन वर्मा जिस तरह से नाराज है, और खास तौर पर उनकी नाराजगी का कारण जो सामने आया है, दरअसल जो हम्माल है लंबे समय से काम कर रहे हैं मंडियों में, उनका काम बंद है, और इसी मामले को लेकर वे लंबे समय से पार्टी के तमाम नेताओं से बात भी कर रहे थे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के सभी पदों से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना के संपर्क में भी लगातार वे हैं, और उनकी फोटो भी यहाँ पर सामने आई है। फिलहाल विधायक आकाश विजयवर्गीय भी उन्हें मनाने पहुंचे थे, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीप पहुंचे थे, और बीजेपी के कद्दावर विधायक रमेश मेंदोला भी उनके घर पहुंचे, और जो प्रवक्ता है पार्टी के वे उमेश शर्मा भी उनके घर पहुंचे। लेकिन तमाम नेताओं को उन्होंने फिलहाल ये कर टाल दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, उनकी नाराजगी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। अब देखना ये होगा किस तरीके से पार्टी यहाँ पर जगमोहन वर्मा की नाराजगी को दूर कर पाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।